आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। हिमंता बिस्व शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शशिभूषण मेहता के लिए लोगों से मांगा वोट। नीलांबर पीताम्बरपुर के मैदान में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शशिभूषण मेहता के जनसभा में पधारे असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा। झारखंड की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि झारखंड की गठबंधन की हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। हेमंत ने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया है। हर बार परीक्षा के पेपर लीक हो जाता है। इस सरकार के कार्यकाल में हर तरफ लूट मची है। जमीन की लूट, बालू की लूट माफिया द्वारा किया जा रहा है। मनरेगा में मजदूरों को समय से भुगतान नहीं किया जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के निकटवर्ती जिलों में आकर यहाँ की आदिवासी युवतियों से विवाह कर उनकी जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, जिससे वहाँ के डेमोग्राफी में काफी परिवर्तन हो गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, शिबू सोरेन की बड़ी बहू हेमंत की भाभी सीता सोरेन पर जिस अभद्र टिप्पणी किया है वह झारखंड की समस्त महिलाओं के लिए अपमानजनक है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने लोगों से पांकी विधानसभा के प्रत्याशी शशिभूषण मेहता को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की। सबसे पहले मैं शहीद पीताम्बर नीलाम्बर को प्रणाम करता हूं और आप सब लोगों को मैं ये संदेश देने के लिए कोशिश करूंगा कि कैसे हमारे प्रदेश को बीजेपी सरकार का जरूरत है और इसके लिए हम आगे जाके क्या करना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, बीते 4 महीना हम लोग झारखंड में ही रहे और झारखंड को देखने के लिए समझने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया। आज झारखंड का हालत क्या है, मैं एक उदाहरण से आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारा झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको हम लोग संथाल परगना नाम से जानता हूं। ये संथाल परगना में आज हमारा जो जनसंख्या है, आप लोग अगर देखें 1951 में संथाल परगना के जनसंख्या थे 23,22,000 और यह जनसंख्या में 21,00,000 हिंदू जनसंख्या थे, आदिवासी जनसंख्या थे, मतलब कुल जनसंख्या की 90% हिंदू थे और 9% ये जनसंख्या की मुसलमान थे और ये 9% मुसलमान 1951 से ही हमारे संथाल परगना में थे। लेकिन आज संथाल का हालत क्या हो रहा है, हिंदू घाट के 67% हो गया है और मुसलमान का जनसंख्या लगभग जाके आज 37% हो चुका है। मतलब क्या है, झारखंड में संथाल परगना में पलामू में हर जगह में मुसलमान का आबादी बढ़ा है, हिंदू का आबादी कम हुए है। हमारा आपत्ति नहीं है अगर मुसलमान लोगों का जनसंख्या जन्म का कारण बढ़े है, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में केंद्र का सरकार ने ये हलफनामा दे के बताया है कि ये जनसंख्या का जो बढ़ोतरी हुआ है ये घुसपैठियों का कारण ये जनसंख्या बढ़ा है। बांग्लादेश से निरंतर घुसपैठिया झारखंड से आ रहा है, लेकिन हमारा जो सरकार है हेमंत सोरेन का सरकार है और घुसपैठियों का खिलाफ कुछ भी काम नहीं करते हैं। किसलिए, वो लोग समझता है घुसपैठी हमारे वोट बैंक है। अगर ऐसा ही झारखंड चलते रहे और 20 साल के बाद झारखंड का हिंदू आबादी
कम होते 50% से भी नीचे हो जाएगा और घुसपैठियों का आबादी भी लगभग इतना ही होगा। आज हमारा ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारा अस्मिता का लड़ाई है, हमारा ये वादा है, हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, कानून का रास्ता अपना के हम झारखंड में जितना घुसपैठी घुसा है सबको लात मार मार के हम झारखंड से बाहर निकालेगा, यही हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, आज आप लोग थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए, हमारा जो झारखंड में एक विशेष समुदाय है उनका वोट नहीं बांटते हैं, ये समुदाय पूरा की पूरा वोट किसको देते हैं? जेएमएम को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं और लालू प्रसाद यादव को देते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू का वोट है, सनातन का जो वोट है, हम ये वोट किसी को 2%, किसी को 10%, किसी को 20% देता हो, हमारा वोट बच जाते हैं और ये विशेष समुदाय का वोट एक भी नहीं बांटते हैं और कांग्रेस पार्टी जेएमएम जीत जाते हैं। हमारे झारखंड में अगर हम सनातन संस्कृति को बसाना है, अगर हिंदू झारखंड में गर्व से रहना है, तब हमें हमारा वोट भी बटवाना नहीं है, हम एक रहना है। अगर हम एक रहेगा तब हम सेफ रहेगा, अगर हम एक नहीं रहेगा हम सेफ नहीं रहेगा। भाई और बहनों, ये पीताम्बर नीलाम्बर का भूमि है, ये सिद्धू कानू का भूमि है, भगवान बिरसा मुंडा का भूमि है। थोड़ा दिन पहले मैं हुसैनाबाद किया, मैंने लोगों को पूछा कि ये हुसैनाबाद नाम कहां से आ गया, किसी ने मुझको नहीं समझा पाए कि ये नाम कैसे आ गया। मैंने लोगों को बोला, भाई हुसैनाबाद का नाम और जगह में हो सकता है लेकिन पीताम्बर नीलाम्बर का भूमि में कोई जिला का नाम हुसैनाबाद कैसे हो सकता है, थोड़ा बताओ। तो मेरा ऊपर नाराज हो गया, वो लोग जाके मेरा ऊपर FIR दर्ज कर दिया। मैंने ये लोगों को बताना चाहता हूँ, भैया तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, हमें FIR से कोई हमारा डर नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम ये FIR का कारण बीच बीच में मुझको पलामू झारखंड आने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या झारखंड में हुसैनाबाद का नाम में जिला रहना चाहिए? तो सरकार आएगा, ये हुसैनाबाद का नाम भी बदला कर हमारे पीरों का नाम में ये जिले का नाम रखूंगा, ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, आज झारखंड में क्या हो रहा है, एक मुख्यमंत्री है, उन्होंने वादा तो करते हैं लेकिन एक भी वादा नहीं निभाते हैं। मैं जब झारखंड में आए तो मुझको बताया गया कि हेमंत सोरेन जी जब CM रहा, मुख्यमंत्री बना, उन्होंने अपना पिता का नाम में कसम खा के बोले थे कि मैं झारखंडी युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। किसी को नौकरी मिला है? मिला है? आपको मिला है? आपको मिला है? कोई गांव में किसी को मिला है? मंडल में किसी को मिला है? मैं जहां भी पूछता हूं कोई नहीं बोलते हैं हमारा गांव में किसी को नौकरी मिला है। 5 लाख नौकरी तो किसी को नहीं मिला, उल्टा क्या हुआ, CGL का एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाते हैं। क्या करते हैं, CGL का एग्जाम होते हैं, लोगों से रुपया लेते हैं, नेपाल ले जाके क्वेश्चन पेपर बिकता है और यहाँ आके इंटरनेट बंद करने का ढोंगी दिखाता है। ये लोग क्वेश्चन पेपर बिक देते हैं,
बार बार क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। आज झारखंड का युवाओं का आज ये लोग पूरा जो भी पढ़ा लिखा युवाओं है आज सब दुखी है। मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे बोलते हैं कि दादा सीजीएल एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए। आज हम ये आप लोगों को वादा करना चाहूंगा जब हमारा बीजेपी का सरकार बनेगा नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा और तुरंत हम सीजीएल एग्जाम को कैंसिल कर दूंगा और नया सिरे से हम सीजीएल एग्जाम करूंगा। ये भी बीजेपी का वादा है। भाई और बहनों आपको याद है जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे हमें क्या बोले थे कि किसी का घर में शादी होगा तो एक सोने का सिक्का मिलेगा नहीं तो 51,000 रुपया मिलेगा। किसी को सोने का सिक्का मिला? किसी को सोने का सिक्का मिला? किसी को सोने का सिक्का नहीं मिला। आज झारखंड को क्या मिले हैं? हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कल्पना सोरेन से अच्छा कोई नहीं। कल्पना सोरेन जी बोलते हैं हेमंत जी तो भगवान है उनसे अच्छा कोई नहीं। अभी मैं भी जब घर में जाता हूँ मेरा बीवी भी मुझको बोलते अरे तुम तो हमारा बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते हो। लेकिन झारखंड का मुख्यमंत्री अपना पत्नियों को भी राजनीति में लेके आया मुझको भी पॉलिटिक्स में लेके आओ। मैं बोला यार बीजेपी में ऐसा नहीं होगा। आज झारखंड में क्या हो रहा है? युवाओं को नौकरी नहीं है सोने का सिक्का भी नहीं है 5,000 भत्ता भी नहीं है 7,000 भत्ता भी नहीं है। ये एक दूजे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। कल्पना जी हेमंत जी का बारे में बोलते हैं हेमंत जी कल्पना जी का बारे में बोलता है एक दूजे का सिनेमा का शूटिंग हो रहा है गरीबों का कुछ नहीं हो रहा है। भाई और बहनों हमें वो शूटिंग देखना नहीं है हमें हमारा अपना काम से मतलब है। जब सरकार आए थे तब क्या बोले थे माताओं को हम 2,000 रुपया का सुलह का खर्च दूंगा। किसको मिला सुलह का खर्च? किसी को मिलेगा सुलह का खर्च? कोई नहीं मिला। जाते जाते वो लोगों ने क्या ले आया मैया सम्मान योजना। जब 4 साल 7 महीना चला गया 3 महीना ही बाकी रहा उन्होंने मैया सम्मान लेके आया। कैसे मैया सम्मान लाया? हमारे माँ और बुजुर्ग को पेंशन बंद कर दिया वही पेंशन का रुपया मैया सम्मान दिया। घर में सासू और बहू का झगड़ा लगा दिया। सासू का पेंशन बंद बहू का अकाउंट में 1,000 रुपया। आप लोग देखिए अगर देना ही था 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? असम में जब मेरा सरकार बना पहला महीना से ही हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1,250 रुपया देने का काम किया। छत्तीसगढ़ में सुनाव हुआ 1,250 रुपया देने का काम किया। लेकिन ये लोगों ने 4 साल 7 महीना कुछ नहीं किया। 3 महीना पहले पेंशन बंद किया और माताओं को 1,000 रुपया का लॉलीपॉप दिखाया। मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहता हूँ आप 4 साल 7 महीना पहले क्यों अपने सम्मान राशि नहीं दिया? भाई और बहनों बीजेपी आप लोगों को बोलना चाहते हैं। मैं कल भी एक सभा में बोला इस बार दीपावली में मेरा असम जाना नहीं हुआ मैं झारखंड में ही रह गया रांची में ही रह गया। मैं हमारा सब नेताओं को बोला हूँ मैं तब गुवाहाटी जाऊंगा जब हमारा मुख्यमंत्री जी पहला दिन ही गोगो दीदी सम्मान राशि हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में देने का काम करता है। भाई और बहनों सरकार बनेगा पहला दिन ही हम गोगो दीदी सम्मान योजना शुरू करेगा माताओं का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया आने का काम हम शुरू कर देगा। साथ में हम सीजीएल एग्जाम रद्द करेगा और पहला साल में ही हम हमारे युवाओं के लिए
डेढ़ लाख नौकरी हम आप लोगों के लिए एडवर्टाइज करूंगा, हम नियुक्त पत्र देने का भी काम करूंगा। हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमारे जो दोस्त है, आजकल बाबूलाल मरांडी जब रविंद्र राय जी का साथ साथ मुझको भी गाली गलास करते हैं, लेकिन मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहता हूँ, मैं असम में 3 साल में 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया हूँ। आपने 1 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची आपने नौकरी नहीं दिया। आज झारखंड में कोई युवाओं को बिना खर्ची नौकरी नहीं मिलते हैं। माता पिता लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब नौकरी मिलने का समय आते हैं किसी को नौकरी नहीं मिलते हैं। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा सरकार लाना है जो सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा। भाइयों और बहनों, 2,87,000 हम लोग नौकरी ढूंढगा, ये भी मैं पीताम्बर नीलाम्बर का भूमि में मैं बोलना चाहूंगा। मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहूंगा, कोई माइया सम्मान काम नहीं करते हैं, कोई माँ खुश नहीं रहते हैं अगर बेटा का नौकरी नहीं है, बेटी का हाथ में काम नहीं है, क्या माँ संतुष्ट हो सकता है? क्या कोई माँ संतुष्ट होगा अगर घर में मेरा बेटा बेटी का नौकरी नहीं है, काम नहीं है, मुझको कोई सम्मान नहीं चाहिए? मेरा बेटा बेटी का घर में नौकरी हो जाए, सम्मान अपने आप मेरा घर में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हम बीजेपी आपको ये वादा करता हूं, 2,87,000 नौकरी हम बिना खर्ची बिना पर्ची हम देने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, हमारा युवा जब डिग्री पास करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पास करते हैं, उसका बाद वो लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई बैंक का नौकरी का तलाश करते हैं, कोई ग्रेड सीबी का नौकरी का तलाश करते हैं, कोई यूपीएससी का एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि झारखंडी युवाओं जो डिग्री पास करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट पास करेगा, उसका बाद हम 2 साल उनको महीना 2,000 रुपया उनको हम बैंक में दूंगा, वो अपना जॉब के लिए ट्रेनिंग करे, अपना जॉब के लिए वो प्रिपेयर अपने आप को प्रिपेयर करे। भाइयों और बहनों, हम ये भी ऐलान किया हूं कि हमारा सरकार जब आएगा, माताओं को हम गैस का सिलेंडर 500 रुपया में देने का काम करूंगा, और साल में 2 सिलेंडर हम फ्री में देगा, ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, हमने वादा खिलाफी दिखा हूं, आज आपने वादा खिलाफी का साथ साथ आपने एक सरकार देखा है जो सरकार धोखेबाज सरकार है। 2 दिन पहले मैं बरकट्ठा गए थे, एक माँ को मैंने देखा झोला लेके आ रहे थे और झोला में हेमंत सोरेन जी का फोटो है। तो मैंने माँ को पूछा कि माँ, ये झोले में तो हेमंत सोरेन का फोटो है, क्या आप इनको वोट देगा? माँ ने बोला, बेटा झोले तो हेमंत सोरेन का है, लेकिन अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? आप देखिए, साउल मोदी जी देते हैं और फ्री का झोले हेमंत सोरेन जी देते हैं। मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहता हूं, भाई झोले में आपका भी फोटो हो हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन जब साउल मोदी जी ने दिया है, झोले में मोदी जी का भी एक फोटो होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मतलब आप ये लोगों का दिमाग देखिए, साउल तो मोदी जी से आएगा, झोला जेएमएम देगा और लोगों को भ्रमित करेगा कि नहीं, ये झोले हेमंत सोरेन देते हैं, तब साउल भी जरूर हेमंत सोरेन जी दे रहा है। लेकिन मेरा गर्व है, वो दिन मैंने महसूस किया कि झारखंड का माँ
कितना समझदार हो सकता है। और माँ ने मेरा आंखों खोला कि बेटा झोला हेमंत सोरेन का है, अंदर का साल नरेंद्र मोदी का है। तो इसीलिए हमारे वोट नरेंद्र मोदी पे जाएगा, हमारा वोट कोई दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा। भाइयों और बहनों, हमें एक बात समझ के चलना चाहिए, ये सरकार हमारा नहीं है, ये सरकार हमारा नहीं है, ये सरकार घुसपैठियों को लाना चाहते हैं, ये सरकार झारखंड में घुसपैठियों का वोट बैंक बनाना चाहते हैं, ये सरकार हमें सर्वनाश करना चाहते हैं। आज सनातन को वो लोग बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी हर बार हिंदू को बांटने का कोशिश करता है। आप लोग थोड़ा समझिए, अगर हम हिंदू बांटते हो फायदा किसका हो? फायदा इरफान अंसारी आलमगीर आलम का होगा कि नहीं होगा? अगर हम लोग हिंदू बांट जाता हो तो फायदा किसका होगा? आप लोग खुद समझिए। आज राहुल गांधी को हमें बताना है कि हम हिंदू बांटने वाला नहीं है, हम हिंदू एक है और हम हिंदू एक रहेगा। ये बात आज हमें उनको बोल देना है। भाई और बहनों, आज आप देखिए, हिंदू जब एक रहता है हिंदू सब कुछ कर सकता है। 500 साल का बाद राम जन्मभूमि में दीपावली हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज हिंदू ने बाबर का जगह में राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? जब हिंदू एक साथ रहता है हिंदू सब कुछ कर सकता है। अगर हिंदू एक साथ रहेगा तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा और हमारा सनातन संस्कृति भी बचेगा। लेकिन अगर हिंदू बांटेगा, ये आलमगीर आलम इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति हमारा ऊपर राज करेगा। आज आप देखो, आलमगीर आलम का घर में 35 करोड़ रुपया बरामद होता है। क्या आपका पास 35 करोड़ है? आपका पास है? आपका घर में ईडी सीबीआई जाने से 30 करोड़ रुपया मिलेगा, 35 करोड़ रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा कोई ईडी और सीबीआई का डर भी नहीं है। क्या कोई गरीब का ईडी और सीबीआई का डर है? बाबा जी, आपका घर में ईडी सीबीआई जाने में कितना रुपया मिलेगा? 3 रुपया। और आलमगीर आलम का घर में कितना रुपया मिलते हैं? कितना रुपया मिलते हैं? 35 करोड़ रुपया मिलते हैं। और ये रुपया किसका है? ये आपका पैसा, वो लोग अपना घर में रखा हुआ है। ये पैसा का मालिक आप लोग हैं, ये पैसा का मालिक हकदार आप लोग हैं। लेकिन ये हेमंत सोरेन ने कोई हिंदू को 35 करोड़ का मालिक नहीं बनाया। जो भी बनाया, इरफान अंसारी को बनाया, आलमगीर आलम को बनाया, हमें लोगों को कुछ नहीं बनाया। भाई और बहनों, ये समझना चाहिए कि हमारे जो सरकार है, ये सरकार हमारा नहीं है। आज रविंद्र राय जी अभी बोल रहे थे कि जब हमारे सरकार थे पलामू में नक्सल खत्म हो गए थे, लेकिन आज दोबारा नक्सल बढ़ने लगा है। हमारा वादा है, हमारा सरकार आएगा, दोबारा हम नक्सल को पलामू का धरती से खत्म कर दूंगा। ये भी हमारा वादा है। ये हम छत्तीसगढ़ में भी कर रहा हूँ, बिहार में किया, आंध्र प्रदेश में किया, और दोबारा हम ये कदम झारखंड में भी उठाना होगा, तो वो कदम हम भी उठाएगा। भाई और बहनों, मैं असम से आया हूँ, असम का स्थिति भी झारखंड से ज्यादा खराब है। हमारा वहां में जनसंख्या का परिवर्तन हुआ, आज 40% मुसलमान है, 7% हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताया कि ये मुसलमान कहां से आया, देश का है कि बाहर से आए हैं? हम भी बांग्लादेश से सटे हुए हैं,
हमारे नेता लोग, हमारे जनता जो समय सावधान होना चाहिए था वो समय सावधान नहीं हुआ। उनका कारण आज असम में हर जगह में जनसंख्या का परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जब झारखंड में आए मेरा भी ये चिंता होने लगा। भाइयों और बहनों, ये सुनाओ, हम सनातन को रक्षा करने के लिए लड़ना पड़ेगा। हिंदू समाज एक होके झारखंड का विकास के लिए हमें वोट देना पड़ेगा, ये आप लोग समझ के रखें। भाइयों और बहनों, हमें बहुत कुछ करना है। अभी जैसे मैंने बताया कि हुसैनाबाद का नाम परिवर्तन होना चाहिए, मेरा ऊपर केस डाल दिए। असम में मैं एक मुहिम शुरू किया था कि मद्रासा बंद करने के लिए, मैंने 600 मद्रासा बंद किया। तब मुझको ये लोग आके पूछा, आपका इरादा क्या है? मैं बोला, मेरा इरादा साफ है, हमें मद्रासा नहीं चाहिए, हमें मुल्ला नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। मैं ठीक बोला था कि नहीं बोले थे? उन्होंने बोला हल्ला हो जाएगा। मैं बोला चलो एक बार मैं भी देख लेता हूँ कल्ला कितना हल्ला हो जाते हैं। मद्रासा बंद हो गया, चुपचाप रह गया, कुछ बोलने का हिम्मत भी नहीं किया। जब सनातन एक होते हैं ना, तो ये इरफान अंसारी आलमगीर जैसा व्यक्ति भागना शुरू कर देते हैं। हमारा सामना करने का उनका कोई ताकत नहीं है। लेकिन कब उनको बल मिलते हैं? जब हम हमारा बीच में बांट जाता हूं, जब हम जाति में समाज में बांट जाता हूं, तभी हमारा सनातन दुर्बल हो जाता है। भाई और बहनों, ये सुनाओ, एक रहने का सुनाओ है, ये सुनाओ झारखंड का युवाओं का अस्मिता का लड़ाई है, ये सुनाओ झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालने का सुनाओ है, ये सुनाओ पलामू पांकी का विकास का सुनाओ है। और इसीलिए ये चुनाव में आप लोग एक होके हमारा उम्मीदवार शशिभूषण मेहता जी को वोट दीजिए। देना है कि नहीं देना है? एक रहना है कि नहीं रहना है? एक रहना है कि बच जाना है? एक रहना है कि नहीं रहना है? सब बोलिए, एक रहेगा तब जीतेगा, एक नहीं रहेगा आलमगीर आलम इरफान अंसारी नेता बनेगा। इसीलिए एक रहना हमारा काम है। जो छोटे मोटे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठाए हैं ना, ये सारे लोग जेएमएम का कांग्रेस का पैसा लेके चुनाव लड़ा है, ये सारा लोग वोट कटुआ बन के चुनाव लड़ा है। ये लोगों को एक भी हमें वोट नहीं देना है। किसी का ऊपर दबाव है, भाई शशिभूषण मेहता को वोट कटाओ, किसका फायदा होगा? हेमंत सोरेन का फायदा होगा। किसका फायदा होगा? इरफान अंसारी का फायदा होगा। किसका फायदा होगा? आलमगीर आलम का फायदा होगा। आज आप लोग देख सकता है प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपया भेजा है कि माओ को नल से जल देने के लिए, लेकिन मिथिलेश ठाकुर सारा पैसा खा गया कि नहीं खा गया? खा गया कि नहीं खा गया? किसी का नल से जल आते हैं? किसी का घर में पानी आते हैं? तो आज हमें झारखंड को एक बार जो वाजपेयी जी का सपना का झारखंड था, इसको बनाना है कि नहीं बनाना है? झारखंड को विकास का ओर लेके जाना कि नहीं जाना है? गोगो दीदी आना है कि नहीं आना है? झारखंड का युवाओं को नौकरी मिलना है कि नहीं मिलना है? अगर मिलना है तो मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, हम अपने आप में हम बांटेगा नहीं, हम एक रहेगा सनातन रक्षा करने के लिए, भारत का विकास के लिए हम लोग एक होके कमल साहब में वोट डालेगा। ठीक है ना? सब समझ गया? अपने आप में बांटना है क्या? समाज का रूप से बांटना है क्या?
आप बोलो हम हिंदू है, हम हिंदू था, हिंदू है और हम हिंदू रहेगा, यही हमारा संकल्प है। और हिंदू जब रहेगा ना, भारत का भी विकास होगा। ये भारत को 5000 साल से हिंदू ने रक्षा करके आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू को रक्षा किए थे। हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज ने ये भारत को रक्षा करके आए हैं और हिंदू समाज ही भारत को रक्षा करेगा। इसीलिए हमें सब हिंदू एक रहना पड़ेगा। भारत का विकास के लिए तन मन से हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बार हम लोग बच जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं पांकी में आज मैं जो उत्साह और उमंग देखा हूं, मैं तो मानना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन का रिजल्ट आज ही हो गया है। शशि भूषण जी जीत चुका है। जीता है कि नहीं जीते हैं? जीत गया है ना। और देखिए शशि भूषण जी इस बार तो विधायक रहा। झारखंड में बीजेपी का सरकार बनेगा ना, शशि भूषण जी बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। पांकी के लिए काम करने के लिए उनको पूरा की पूरा अधिकार मिल जाएगा। अभी जितना काम किया है सरकार बनने में वो दुगुना काम करेगा। ये मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूँ। थोड़ा और जोर से बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। जब जय जय श्री राम का गुण जाते हैं ना, ये आलमगीर आलम इन्फर अंसारी घाट का नीचे चला जाते हैं, है ना। जब भी हिंदू एक होके, देखिए हिंदू एक बड़ा शक्ति है, जब हिंदू एक होके जय श्री राम बोलते हैं ना, बाबर भी भाग जाते हैं, इरफान अंसारी भी भाग जाते हैं, आलमगीर आलम भी भाग जाते हैं। तो इसीलिए मेरा साथ एक साथ बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, शशि भूषण मेहता। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का बात दोबारा पांकी में आऊंगा, ठीक है ना। जब अगली बार आऊंगा खाना उना खा के जाऊंगा आप लोग के साथ, ठीक है। जैसे आपका आपका यहाँ में झालखंडी माँ का मंदिर होता है, श्री केदाल का मंदिर होते हैं, ऐसे असम में भी माँ कामाख्या का बड़ा मंदिर होते हैं, है ना। आपने किसी ने माँ कामाख्या का नाम सुने हैं? तो मैं शशि भूषण जी को बोलूंगा कि आप लोगों का जो भी चाहे एक बार माँ कामाख्या का दर्शन के लिए आइए और आप लोग मेरा गेस्ट बन के आएगा, ठीक है। और वहां में गुवाहाटी में आप लोग को रखना, फेरवाना, माँ का मंदिर दर्शन करवाना, ये मेरा जिम्मेदारी रहेगा। जरूर आइए और मैं भी दोबारा पांकी में आऊंगा और एक साथ मिल के हम लोग झारखंड का विकास के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।